बच्चों, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की नोमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन को देखने के बाद अब इसमें हम पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे जो जहाँ पर मेटल अटैच्ड है। जैसे फर्स्ट हम ले रहे हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ लिथियम। लिथियम के जितने भी कार्बोधात्विक यौगिक हैं उनके बारे में हम इसको चार्ट हेडिंग्स में कवर करेंगे। फर्स्ट हम ले रहे हैं सिंथेसिस, कैसे हम इसको बनाएंगे। सेकंड केमिकल रिएक्शन। थर्ड स्ट्रक्चर एंड द फाइनल उपयोग। तो सबसे पहले हम देखते हैं हम इसको कैसे सिंथेसाइज करें। तो टोटल हमारे पास पांच यहाँ पर रिएक्शन हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं एल्किल या एराइल हैलाइड की धातु पर अभिक्रिया। तो यहाँ पर डायरेक्ट रिएक्शन है, हमने ऐसे ही याद रखनी है। ट्वाइस लिथियम और C4H9Cl। जब अभिक्रिया होगी तो लिथियम क्लोराइड यहाँ से रिमूव होगा और लिथियम यहाँ पे जुड़ता है ऑर्गेनिक समूह से। दूसरी है धातु विनिमय द्वारा, जिसमें हम ले रहे हैं डाई फेनिल मरकरी और अभिक्रिया करवा रहे हैं डायरेक्टली लिथियम मेटल्स के साथ। तो ये बनता है लिथियम का कार्बोधात्विक यौगिक। इसी तरह से धातु हैलोजन को एक्सचेंज करके भी हम कर सकते हैं। जैसे हमने लिया है C4H9 लिथियम और C6H5I, यानी कि बेंजीन के साथ आयोडाइड यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो जब अभिक्रिया होगी तो प्रतिस्थापन होगा इसमें और हमको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ लिथियम मिलेगा। फोर्थ रिएक्शन है धातु हाइड्रोजन विनिमय द्वारा, मीन्स हाइड्रोजन यहाँ पे एक्सचेंज होगा। ब्यूटेन यहाँ मिल रहा है, देखो रिएक्शन में आप सभी, ब्यूटाइल लिथियम है ये C4H9Li, और बेंजीन के साथ जब अभिक्रिया होगी तो हाइड्रोजन यहाँ पर एक्सचेंज होता है, ब्यूटेन बनेगा, साथ के साथ हमें यहाँ पर लिथियम का कार्बोधात्विक यौगिक भी मिलेगा। फिफ्थ रिएक्शन है यहाँ पर, और इस रिएक्शन में हम एक तरह से असंतृप्त समूह यहाँ पे आ रहा है और लिथियम जब होगा तो ये पूरा अपने को कंपाउंड मिलता है। भौतिक गुणधर्म की बात करते हैं हम, जो लिथियम का कार्बोधात्विक यौगिक है वो काफ़ी ज्वलनशील है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल, वायु से तीव्र अभिक्रिया करते हैं और स्वतः ही एक तरह से जलते हैं ये। रासायनिक अभिक्रिया की हम बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर ब्रोमीन से अगर क्रिया हो रही है यहाँ पर तो ये रिप्लेसमेंट होगा और इथाइल ब्रोमाइड यहाँ पे मिलता है। इसी तरह से CO2 के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कार्बोनेशन। कैसे होगी देखो आप, इसमें LiR जनरल रिप्रेजेंटेशन है, R यहाँ पे किसी भी तरीके का एल्काइल या एरिल समूह हो सकता है। CO2 के साथ है तो उसको हमने ओपन करके लिखा है C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O। तो जैसे ही यहाँ रिएक्शन होगी तो इलेक्ट्रोफिलिक एक तरह से अटैक यहाँ पर हम कह सकते हैं, और ये कार्बन के साथ जुड़ेगा तो ऑक्सीजन यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज्ड है। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं तो दोबारा से हम RLi मीन्स वापस हम अभिक्रिया करवा रहे हैं इसकी, और ये इस तरह से कंटिन्यूशन में समूह जुड़ते जुड़ते ये बन जाता है हमारे पास कीटोन फाइनल प्रोडक्ट के रूप में। तो जब कभी भी एग्ज़ाम में आ जाए कि CO2 के साथ जब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड लिथियम वाली जो रिएक्शन होगी तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमको, कीटोन। कार्ब लिथियम यौगिक द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्लों को कीटोन में बदल सकते हैं, ये भी हमने देखा था अभी इसी तरह से। और अब हम करवा रहे हैं जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है, जनरल प्रेजेंटेशन है RCOOH, और ऑर्गेनोलिथियम या हम कह सकते हैं लिथियम का जो कंपाउंड है अपना ऑर्गेनोमेटेलिक, ये अभिक्रिया करता है और कीटोन एज अ फाइनल प्रोडक्ट अपने को मिलता है। अब देखते हैं हम अम्ल के साथ किस तरह से अभिक्रिया होती है। सिंपल एसिड अपन ने लिया है इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये बनेगा ब्यूटेन। फिर एल्कीन से भी हम करवा सकते हैं, एल्कीन से जब अभिक्रिया करवा रहे हैं इसमें तो एक चेन या श्रृंखला रूप में एक हमारे को प्रोडक्ट मिल रहा है, अनसेचुरेशन ख़त्म होता है। फिफ्थ रिएक्शन है एन ब्यूटाइल लिथियम की, जब अभिक्रिया करवाते हैं अपन यहाँ पर टेट्रा मिथाइल इथिलीन के साथ में, डाइमिन से जुड़ करके ये एडक्ट बनाएगा। इसी तरह से संयुग्मित डाई ओलिफिन के साथ अभिक्रिया है इसमें, और ये अपन यहाँ ले रहे हैं आइसोप्रीन। दो तरह से है इसमें, पेंटेन के साथ जब हो रही है इसमें, और अभिक्रिया का जो प्रोडक्ट अपने को मिलेगा वो अगर मिलता है एरुविया रबड़, सिस फॉर्म है ये।
और गट्टा पर्चा कब बनेगा, जब हम यहाँ पर आर एल आई और ईथर के साथ अभिक्रिया करते हैं जो ट्रांसफॉर्म में है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है कि संयुग्म में डाई ओलिफिन के साथ जब अभिक्रिया होती है तो सिस एंड ट्रांस दो यहाँ पर फॉर्म होंगे और उसका नाम भी यहाँ पर अपने को ध्यान रखना है। फर्दर रिएक्शन हम कह रहे हैं यहाँ पर रिएक्शन है C6H5Li की और हम ले रहे हैं फिनॉल एल्डिहाइड फॉर्म में C6H5CHO। तो अभिक्रिया होकर के फाइनल प्रोडक्ट अपने को ये मिलता है। रिएक्शन है एथेनॉल के साथ और ये बनेगा रिप्लेस करके लिथियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से C2H5Li की डाई इथाइल मैग्नीशियम के साथ भी अभिक्रिया करेंगे तो भी यहाँ पर एक अच्छा सा कंपाउंड बन रहा है। तापी अपघटन मीन्स हम टेम्परेचर देख करके अपघटित कर सकते हैं हमारा कार्बधात्विक यौगिक को। पिरिडीन के साथ अभिक्रिया है यहाँ पर और डायरेक्ट यहाँ पर एक प्रतिस्थापी समूह यह हटेगा लिथियम यहाँ पर जुड़ करके। अब बात करते हैं इन सभी सिंपल रिएक्शंस के बाद स्ट्रक्चर की कि यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसी होगी। तो एक्सरे स्टडीज से हमें यह पता चलता है कि एल्काइल लिथियम की संरचना टेट्राहेड्रल के रूप में होती है, चतुष्फलक के रूप में होती है, जैसे मैथेन की स्ट्रक्चर होती है उस तरह से। और ये सगुणित अवस्था में रहते हैं और चारों लिथियम परमाणु चतुष्फलक के कोणों पर प्रेजेंट हैं, जैसे स्ट्रक्चर में आपको दिखेगा। चारों जो लिथियम परमाणु हैं ये तो कॉर्नर्स पर रहेंगे और एल्काइल ग्रुप जो है सममित सेतु का कार्य करते हैं। देखो आप स्ट्रक्चर में ध्यान से, कार्बन है ये, चारों हमें दिख रहे हैं यहाँ पर एच 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 और लिथियम से जुड़ा हुआ है ये, और स्ट्रक्चर है इसकी डिस्टेंस भी यहाँ पर 2.31 अंगस्ट्रम शो हो रही है। तो चतुष्फलक के रूप में ये स्ट्रक्चर अपने को मिली है और आइडेंटिफाई किया है ये एक्सरे डिफ्रैक्शन के थ्रू। उपयोग की हम बात करें तो डाई लिथियम उत्प्रेरक द्वारा ब्यूटाडाइन आइसोप्रीन का पॉलीमराइजेशन करके हम रबड़ मिलता है, जैसे भी अपन ने देखा था इसमें गट्टा पर्चा जो ट्रांसफॉर्म है। ब्यूटेलिन के पॉलीमराइजेशन के लिए हमें टेट्राक्लोरो टाइटेनियम और लिथियम के उत्प्रेरक के रूप में ज़रूरत पड़ती है। दूसरा है हम इसको किस नाम से जानते हैं, कभी के पॉइंट ऑफ व्यू हम देख सकते हैं, आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कभी आए एग्ज़ाम में जो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो उसमें भी आ सकता है। सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लिथियम के कार्बधात्विक यौगिक को सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं। डिटर्जेंट के रूप में भी प्रयुक्त होने वाले जैसे सल्फोनेट्स के निर्माण में ब्यूटाइल लिथियम का काफ़ी प्रयोग होता है। तो ये बात हुई ऑर्गेनो कंपाउंड्स ऑफ लिथियम की। अब हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर और वो है एल्यूमिनियम। यहाँ पर एल्यूमिनियम यूज़ हो रहा है। तो जब एल्यूमिनियम युक्त कार्बधात्विक यौगिक में उपस्थित बंद और संयोजी समूह के आधार पर तीन भागों में हम इसको बांट सकते हैं, कैसे, थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, जो बोरोन में आप पढ़ चुके हो। थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन युक्त एल्किल यौगिक जिनका सूत्र RnLX थ्री माइनस एन सूत्र होता है, जहाँ पर एन क्या है 1, 2, 3। और ये बंद से जो हम कहते हैं कि किस तरह से डाइमर के रूप में प्राप्त होते हैं, और संकुल यौगिक जो होते हैं इनके वो आयनिक प्रकार के हैं, जबकि थर्ड वाले में एल्किन के साथ दुर्बल पाई बंद बनाने वाले ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स होते हैं। ये तो हुई तीन प्रकार में जो हमने डिवाइड किया उसकी बात, और अब हम देखते हैं सिंथेसिस। सबसे पहले है ऑक्सीकृत योगात्मक अभिक्रिया द्वारा। इस विधि में काफ़ी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और बहुत ही कम आयनिक पोटेंशियल जिनका हो, ऐसे मेटल की क्रिया से एल्काइल हैलाइड यहाँ पर अपने को मिलेगा। कैसे, फ्री RX जनरल प्रेजेंटेशन है, एल्यूमिनियम से अपने क्रिया करवाई इसकी और यहाँ पर अपने को मिलता है LR3। और R यहाँ पर आप देख सकते हो हम चेंज कर सकते हैं, चाहे हम CH3 लें या हम इथाइल लें या हम एरोमेटिक वाले भी यहाँ पे ले सकते हैं। लैब में हम इसको कैसे बनाएंगे, एल्यूमिनियम मेटल के साथ अभिक्रिया हो रही है इसमें डाई मिथाइल मरकरी की, उसी तरह से आगे हम रिएक्शन देख रहे हैं कि अगर ईथर हमने सॉल्वेंट लिया है तो भी हम इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सहायता से बना सकते हैं, जैसे LX3 और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया हमने, ईथर है और ये बनता है यहाँ पर एल्काइल का कार्बधात्विक यौगिक।
औद्योगिक रूप में जहाँ लार्ज स्केल पर बनता है उस विधि में एल्कीन यहाँ पे ली है और टेम्परेचर करीब 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक रख के हम इसको प्रेशर भी मेंटेन करते हैं और अपने को ये प्राप्त होता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। फिफ्थ है धातु हाइड्राइड्स का एल्कीन के साथ में संयोग, तो एल्कीन के साथ जब करेंगे तब भी हमको ये मिलेगा। सेम लिथियम का जैसे हमने देखा था अभी भौतिक गुणधर्म, तो इसमें भी हम देखते हैं कि काफ़ी न्यून गलनांक वाले हैं और ठोस या द्रव रूप में हैं। प्रकृति सहसंयोजी होती है इनकी और नॉन पॉलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे कि एल्केन्स ईथर में ये सॉल्युबल होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में वायु के साथ जब अभिक्रिया होगी इसकी तो ये ऑक्साइड्स बनाएगा। इस तरह से तापीय अपघटन जैसे हमने पहले भी देखा था उसमें, तो ये बनेगा एल्कीन्स। लिमिटेड ऑक्सीजन यानी सीमा हमने रख रखी है उसकी कि इतनी ही ऑक्सीजन अपने को प्रोवाइड करनी है, उस स्थिति में ये इसके बनते हैं ऑक्साइड्स। पुनर्वितरण अभिक्रिया जिसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है एक्सचेंज, तो एल्यूमिनियम के दो व्युत्पन्नों के बीच समूह का विनिमय होगा। अभिक्रिया आपके सामने दिख रही है यहाँ पर। निवेशन अभिक्रिया में भी सल्फर ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करना देखिए जिसमें AlOSOR होल्थ्राइस बनेगा। CO2 के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं तो रूम टेम्परेचर पर होगी। योगोत्पाद निर्माण एडक्ट बनेगा और दुर्बल लुईस अम्ल की तरह व्यवहार यहाँ पे प्रदर्शित होता है। इसी तरह से हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सेतु बनता है, जैसे ये ब्रिज बन गया यहाँ पर। और एल्काइलेशन रिएक्शन जिसमें टेट्राक्लोरोसिलेन के साथ जैसे अभिक्रिया हो रही है इसकी एल्यूमिनियम की, तो एक्सचेंज हो गया ये। और अब उत्प्रेरक के रूप में हम इसका उपयोग देख सकते हैं जिसको हम कहते हैं जिग्लर नाटा कैटलिस्ट मेन, और एग्ज़ाम में भी आता है ये। जैसे हमने लिया यहाँ पे प्रोपीन अपने ले रहे हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और ALR जैसे कि हमने कार्बोदातिक यौगिक की बात करें अभिक्रिया करवाते हैं तो कंटिन्यूशन में जुड़ता जाता है ये और आइसोपिर अपने को मिलता है। संक्रमण धातु संकुल यौगिकों के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है और उभय स्नेही की बात भी है कार्य करता है। संरचना आप सब देख रहे हो इसमें एल्यूमिनियम के साथ में किस तरीके से ये अल्काइल समूह यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो आज अपने इसको देखा है एक तो लिथियम का और एल्यूमिनियम का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स।